ये जो है ना ये वो मुंह दिखाई वाला तो पहला ना ये तो काफी भारी जोड़ा है ना। बहुत गर्मी लग रही होगी। हाँ क्या करें, इतनी गर्मी में शादी करना पड़ गई, मजबूरी थी। मम्मी को ना बहन के पास कुवैत जाना था। अब उन्हें यह परेशानी थी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं बाहर का खाना खा खा के बीमार पड़ जाऊंगा। वो क्या है, हेपेटाइटिस ए सी और कुछ नहीं तो बी तो हो ही जाता है रोजाना बाहर का खाना खा खा के। तो बस ये परेशानी थी मम्मी को। अच्छा ये जनाब मुंह दिखाई, ये कहते हैं ना मुंह दिखाई का तोहफा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I mean, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा अरेंज मैरिज हो जाएगी। इतनी अरेंज मतलब कितनी अरेंज मैरिजेस हुई हैं आपकी? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वही तो पहली दफा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अरेंज होगी। अम्मी ने सब कुछ बाला बाला ही तय कर लिया। अब तो रस्मी मुलाकात भी नहीं करवाई। अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तस्वीर देख लूं। मैंने कहा जब सब कुछ अरेंज हो रहा है तो फिर शादी वाले दिन एक बार ही मुंह देखेंगे। वैसे वाकई भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, मैं तो लव मैरिज करना चाहता था। तो फिर क्यों नहीं की? अच्छा अम्मी ने नहीं कराई होगी? नहीं नहीं नहीं, अम्मी तो मानी जाती, कोई लड़की नहीं मानी। वैसे मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे लव हो जाए। इसी इंतजार में 30 साल का हो गया। मैंने कहा मट्टी बाव अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं। वैसे भी अम्मी ने जाना था तो मैं तो आप बाहर का खाना खा खा के बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल जी, वाह वाह, सही कहा आपने। अच्छा ये जो है ना ये वो मुंह दिखाई वाला तो पहला ना ये तो ऐसे हाथ क्या रहे हैं तुम्हारे। थैंक्स।